हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइना गोयल। दोस्तों, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की ये नोटिफिकेशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये उन बच्चों के लिए जिनको स्पेशल चांस से अपना एग्ज़ाम दोबारा देने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में क्लिक करें बेल आइकन पर टू गेट माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो अब आप ये नोटिफिकेशन जो है कम्प्लीट देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन उन बच्चों के लिए है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जिनका किसी भी क्लास या कोर्स में, ठीक है, वो या तो फेल हो गए हैं या वो अटेंड नहीं कर पाए हैं, पेपर में एब्सेंट रह गए हैं, या फिर जिनका रीअपीयर और इम्प्रूवमेंट का पेपर था लेकिन उसमें भी वो पास नहीं हो पाए हैं, ठीक है, किसी भी कारण से, और उनको वो डिग्री जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है वो नहीं मिली। देन इस दे नाल ही कुछ विद्यार्थी अजिहे हैं जिन्होंने अपने क्लास या कोर्स विच इन्वायरमेंट एंड रोड सेफ्टी अवेयरनेस यानी कि EVS और ड्रग अब्यूज का पेपर क्वालिफाई नहीं किया, जिस कारण UGC नियमों अनुसार उन्होंने डिग्री जारी नहीं हो सकी। तो ये जो आपके सामने है, जिनको भी डिग्री नहीं मिली उनके लिए स्पेशल चांस उन्होंने दिया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप ये डिटेल में देख सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं, ठीक है। इस विशेष मौके अधीन प्रीख्या देने दे इच्छुक विद्यार्थी हेठ लिखे अनुसार फीस प्रीख्या फॉर्म भरनगे अते उन्हां दी पात्रता अते प्रीख्या शेड्यूल हेठ लिखे अनुसार होवेगी। ईवन सेमेस्टर दीआं प्रीख्यावां देण वाले विद्यार्थी ईवन सेमेस्टर दीआं प्रीख्यावां दौरान अते, मतलब इसमें पॉइंट में वो बोल रहे हैं कि जिन बच्चों ने ईवन सेमेस्टर के पेपर देने हैं वो ईवन सेमेस्टर के जब पेपर होंगे तभी वो देंगे, अलग से उनके लिए ऑर्गेनाइज नहीं किए जाएंगे, और जिनके ऑड सेमेस्टर के पेपर होंगे वो जब ऑड सेमेस्टर के पेपर यूनिवर्सिटी करवाएगी, ठीक है, तभी आपके होंगे, आपके लिए भी अलग से अरेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा है, अजिहे विद्यार्थी जिन्हां दे क्लास कोर्स विच एक सेमेस्टर भाग विच फेल होन जां गैर हाजिर रहन कारण क्लास या कोर्स पूरा नहीं हो सकिया लई विशेष मौका फीस 50,000 रुपये निर्धारित की गई, यानी कि आपको 50,000 फीस लगेगी अगर आपका किसी भी एक सेमेस्टर में आप फेल हो गए हैं, ठीक है, किसी भी कोर्स में, तो 50,000 रुपीज़ आपकी फ़ीस लगेगी। संबंधित प्रीख्या ली प्रीख्या फीस दाखला फॉर्म दी कीमत इस तो इलावा होगी, यानी कि ये सिर्फ 50,000 आपकी जो स्पेशल चांस के लिए फ़ीस आपको अलॉट की गई है, ठीक है, इसके अलावा भी आपकी जो फ़ीस है प्रीख्या फॉर्म की फ़ीस, ठीक है, देन दाखला फीस जो भी होती है ये अलग से आपसे ली जाएगी। नाउ नेक्स्ट है उन बच्चों के लिए जो रीअपीयर या फिर इम्प्रूवमेंट के पेपर में नहीं अटेंड कर पाए, ठीक है, जिनको भी वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, ठीक है, UGC के का प्रमाणित जो होता है, तो उनके लिए जो फ़ीस डिसाइड की गई है वो है 40,000 रुपीज़। इसके अलावा आपकी हर एक सेमेस्टर की प्रीख्या फीस फॉर्म की कीमत वक्री होवेगी, यानी कि आपकी जो हर एक सेमेस्टर जितने भी सेमेस्टर्स आपने देने हैं उसकी जो प्रीख्या फॉर्म की फ़ीस होती है, ठीक है, वो डिफरेंट होगी। ये 40,000 में वो इंक्लूड नहीं है, 40,000 अलग से है, और ये प्रीख्या फॉर्म की जो फ़ीस होती है ये आपकी अलग से है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है EVS और ड्रग अब्यूज़ के बच्चों के लिए, ठीक है, तो आपकी जो फ़ीस अलॉट की गई है वो है 2500, ठीक है, 2500 रुपये आपकी फ़ीस जो है डिसाइड की है अगर आपने वो पेपर दोबारा से देना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो कंप्लीट ये है डिटेल्स इसकी चेक कर सकते हैं। साथ ही में इन्होंने बताया है कि जो ये सारी नोटिफिकेशन है ये MPhil या फिर PhD पर लागू नहीं होती है, ठीक है, MPhil और PhD कोर्स वालों के लिए ये नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। देन सिक्स्थ पॉइंट में इन्होंने कहा है कि ए विशेष मौका प्रीख्या ली इच्छुक विद्यार्थी अपने प्रीख्या फॉर्म अते बंदी फीस मिति 15 जून शाम 4 बजे तक जमा करवा सकते हैं। तो आपको लास्ट डेट दी गई है अगर आप दोबारा से पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, जो फेल हो गए हैं, जो पेपर में एब्सेंट रहे हैं, या फिर जिन्होंने रीअपीयर के पेपर में वो नहीं पास कर पाए, जिनको भी वो सर्टिफिकेट नहीं मिला UGC की तरफ से, तो वो अगर दोबारा पेपर देना चाहते हैं तो जो भी आपकी फ़ीस बनती है वो आप 15 जून तक सबमिट कर दें शाम के 4 बजे तक, ये आपको लास्ट डेट दे दी गई है। तो आप सेवन्थ पॉइंट भी देख सकते हैं, स्पष्ट किया जाता है कि इन्हां प्रीख्यावां विच अपीयर होने वाले विद्यार्थियों को चलंत सिलेबस अनुसार प्रीख्या देनी होगी। जो भी सिलेबस ऑन गोइंग है, अगर तो सिलेबस न्यू आ गया है तो आपको उसी हिसाब से पेपर देना पड़ेगा, ठीक है, जब आपकी रीअपीयर आई थी हो सकता है तब आपका पुराना सिलेबस हो, अब नया सिलेबस आ गया है तो आपको उसी हिसाब से पेपर देना होगा, जिस हिसाब से चाहे न्यू
सिलेबस के हिसाब से पेपर आए तो न्यू सिलेबस के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो सिलेबस पुराना ही चल रहा है तो वैसे ही आएगा। सो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर का सवाल है ये, तो सोच समझ कर डिसाइड कीजिए। और चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।